हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से एक बार सभी का आपका वेलकम करता हूं दिल से। और गाइस, आई होप आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं। और अभी तक मैंने जो है अप्रोक्सीमेटली 6 डेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड के डाल दिए हैं। चलिए, आज हमें 7th डे यानी कि आज हमें क्या करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 4th डे में, 5th एंड 6th डे में टेबल स्ट्रक्चर्स तक बता दिया कि इनवॉइस कैसे बनते हैं। चलिए, आज हमें जो आज के सेशन में सीखना है वो हमें सीखना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और वो है हमारा हेडर, फूटर एंड पेज नंबर। यानी कि किस प्रकार से आप हेडर, फूटर और पेज नंबर का यूज करेंगे, आइए प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। इसकी कई प्रकार की टाइप हैं, आप थोड़ा भी वीडियो को स्किप ना करें ताकि जो मेरे बताए गए कंसेप्ट हैं उनको पूरा 100% आप कर सकें, सीख सकें और आगे भी सिखा सकें। मेरा एक मेन ही मोटिव यही है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको सीखें, समझें और करें प्रैक्टिकली, तभी आप आगे चल के काम इसमें कर पाएंगे। तो चलिए, हेडर का मतलब होता है हमारा पेज का सर, और फुटर का मतलब पेज का पैर, यानी कि यह दोनों ही हेडिंग देने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 पेजेस और लिए, तो एक मेरे पास ऑलरेडी था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज 5 of 5, यानी कि 0 वर्ड यहाँ पे लिखा है। पेज 5 of 5 का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 5 पेजेस अवेलेबल हैं। मैं स्टार्टिंग में पहले पेज पर जाता हूँ जिसे हम टाइप 1 बोलते हैं, और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं = एक रेंट की कमांड ले लेता हूँ, और जिसमें मैं काम करता हूँ 40 पैराग्राफ के करीब करीब ले लेता हूँ, जिसमें डेटा भी काफी आ जाएगा, राइट? चलिए हम ऊपर चलते हैं पेज नंबर पे। अब मैंने यहाँ पे कर्सर किया अपना, इंसर्ट रिबन टैब पे मैंने क्लिक किया, और देखिए मेरे पास ये हेडर का ऑप्शन है। यानी कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें हेडर का क्या हेडिंग देना चाहते हैं टॉप में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने आपके लिए पहला वाला ले लिया, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैप्स में ICL CL ASSES ICL classes, और हेडर में जब आप इसको लिखते हैं तो इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया, इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया, राइट? इसे थोड़ा सा येलो कलर दे दिया, एंड देन आप लाइन जो ये दिख रही है इसके नीचे ही डबल क्लिक कर दीजिए, नहीं तो क्लोज हेडर एंड फूटर, यहां से आप इसे क्लोज कर दें। तो मुझे अभी हेडर में ही हेडिंग देनी थी, तो ये मेरी पहली टाइप है। आप देखेंगे कि सारे पेजेस पर एक जैसी मेरी हेडिंग आ गई। देखिए सेकंड पे भी यही आ गई, मेरी थर्ड पे भी यही आ गई, और मेरे फोर्थ पे भी आ गई। ये सबसे हमारा कॉमन जो है प्रोसेस है, ये हमारा पार्ट 1 है। आई होप पार्ट 1 आपको समझ में आया, यानी कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद क्या है कि मैं यहां से देखिए मैंने क्या किया, जो मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ऊपर, जो मेरा खाली मार्जिन एरिया है ये मेरा कहलाता है हेडर एरिया। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सब कुछ जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो देखेंगे आप, अब मेरे किसी भी पेज पर कहीं भी कोई भी हेडर नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट जैसा था वैसा हो गया। नाउ सेकेंड टाइप सीखते हैं, इंसर्ट रिबन टैब में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या हेडर, मैंने यहाँ पर हेडर लिया, पर जैसे ही मैं हेडर लेता हूं तो देखिए यहाँ पर एक अलग से रिबन टैब मेरा ओपन होकर आता है जिसका नाम है ऑप्शन वाला बॉक्स। इसमें देखिए बोल रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि मैं चाहता हूं कि पहले पेज पर मेरा अलग हेडर हो और जो बाकी के जो मेरे पेजेस हैं उन पर मेरा अलग हेडर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यानी कि सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, स्टेप बिल्कुल स्किप ना करें। पहले मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए क्या लिखा आ रहा है, फर्स्ट पेज हेडर, इसमें मैंने यहां पे लिखा ICL CL ASSES ICL classes, और मैंने यहां पर इसको बोल्ड भी किया और इसको मैंने यहां पर बढ़ा दिया। अब इसके बाद आपको हटाना नहीं है, अभी जस्ट नीचे आइएगा और यहां पे कह रहा है कि आपको बाकी पेजेस में क्या चाहिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया फाउंडर मिस्टर राहुल सिंह, गॉट इट, एंड को फाउंडर मिसेस दीप्ति सिंह,
राइट, फाउंडर मिस्टर राहुल सिंह एंड को फाउंडर मिसेस दीप्ति सिंह। तो यहां पर मैंने ये लिखा, थोड़ा सा नाम मैंने क्या किया यहां पर इंक्रीज किया, एंड देन देखिए ये मेरा जो है अब मैं यहां से हटा दूंगा, तो आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट पेज रहेगा वो मेरा आईसील क्लासेस रहेगा, और इसके बाद जो सेकंड है देखिए फाउंडर मिस्टर राहुल सिंह एंड को फाउंडर मिसेस दीप्ति सिंह, ये पूरा का पूरा यहां पर आएगा। तो ये हमारी सेकंड टाइप हो गई हेडर में। अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप के लिए मैंने कंट्रोल एन एक नया जो है फाइल का स्ट्रक्चर ले लिया, एंड इज इक्वल टू आर ए एन डी रेंड, सेम अगेन मैंने 40 पैराग्राफ्स ले लिया आपको समझाने के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कंट्रोल के साथ आप होम बटन भी दबा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप ना वापस पहले पेज पर आ जाएंगे। तो दो टाइप मुझे भरोसा है, ट्रस्ट है कि आपने प्रॉपर तरीके से सीखा है इसको। अब तीसरी टाइप सीखिए, आप जो तीसरी टाइप सीखने जा रहे हैं उसके लिए आप वापस इंसर्ट रिबन टैब पे जाएंगे, या तो आप हेडर पे एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो डबल क्लिक कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आप ऑड एंड इवन वाले स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑड एंड इवन पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ऑड में क्या देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑड में दिया आईसीएल क्लासेस, राइट, मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। एंड इवन में जो देना चाहता हूं मैं यहां पर, ये रहा मेरा इवन पेज, तो यहां पर मैंने दिया टैक्स, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली प्राइम, एमएस ऑफिस, ईटीसी। ये मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई मेरे इवन पेज में जो जो मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे वो चीजें मेरी यहाँ पर आ जाएं, और मैंने इसको थोड़ा येलो कलर कर दिया। नाउ अब मैं डबल क्लिक करके इसको हटाता हूँ, तो देखेंगे आप, मैं थोड़ा पेज भी छोटा कर दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास, चलिए बड़ा करके देख लेते हैं ये तो इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आईसेल क्लासेस, और इसके बाद सेकंड पे देखेंगे तो कोर्सेस, फिर इसके बाद आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप आईसेल क्लासेस, देन इसके बाद अगेन आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स। तो इस प्रकार से हमारे ये तीन टाइप जो है वो हेडर के एक्टिवेट आपको करने आ गए। अब इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ डिफरेंट ऑड एंड इवन, तो ये मेरा नॉर्मली हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे कि सब जगह फिर आईसीएल क्लासेस ही आएगा, राइट, क्योंकि आपने वो टाइप हटा दी। अब आपने बोला कि मुझे हेडर में तो आईसीएल क्लासेस देना है, बट जैसे ही आप हेडर एक्टिवेट करते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर फुटर भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखा आई एम गुड पर्सन, ये आपकी बुक का एक सब टाइटल है जिसे आप हेडर में देना चाहते हैं, और आप यहां से हटा दीजिए। तो देखिए आई एम गुड पर्सन यहाँ पर हेडर में लिखा आएगा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी हेडर में लिखा आएगा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी हेडर में लिखा आएगा, गॉट इट। देन अब आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हट जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से हेडर कहीं से भी सिलेक्ट करके, और क्या कर दीजिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वापस जैसा था हमारा डॉक्यूमेंट वैसा ही हो गया, गॉट इट। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें एक चीज और बसती है हमारी इंसर्ट में, जिसका नाम है पेज नंबर। अगर आप फूटर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर तरह तरह से आपको मिल जाएंगे। अब मुझे पेज नंबर देना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, पेज नंबर कह रहा है टॉप पर देना है, बॉटम पर देना है, पेज मार्जिन या करंट पोजिशन, तो जहां पर भी आपको देना है जिस भी वे में देना है, देखिये मुझे ये पसंद आया, राइट, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, है ना। तो आप जैसे मर्जी चाहें यहाँ पर पेज नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर पेज मार्जिन बॉटम में जहां भी लेना है आप इस तरीके से, ये लेना है तो देखिए बिल्कुल बॉटम में नजर आएगा, आप हटा दीजिए, ये तीन पेजेस हैं, ठीक है, ये चौथा पेजेस है। अब यहाँ देखेंगे आप, जैसे मैं पेज ऐड करता चला जाऊंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पेजेस जो है वो आते रहेंगे, मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा मैंने काफी सारे, तो 20-21 पेज हो गए, तो ये भी मेरा 20 पेज का दिख रहा है। सो इस प्रकार से
आई होप आप इंसर्ट रिबन टैब का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर एंड पेज नंबर का कंसेप्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसकी एक लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो है वो रह गई है, जिसे फोर्थ टाइप कहता हूँ मैं, और ये मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में सिखाऊंगा। उसमें थोड़ा लंबी वीडियो बन सकती है आपकी। अभी आप पहले ये तीन चीजें ट्राई करिए, देन इसके बाद मेरे इस के अगले पार्ट को देखिएगा। वहां पर मैंने आपको सिखाया कि यदि अलग अलग पेजेस पर अलग अलग चीजें हेडर या फुटर में चाहिए तो उनको कैसे पेज ब्रेक करके हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो रियल कंसेप्ट आपको वही फॉलो करना है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार से आप अपने सिस्टम पे जल्दी से हेडर एंड फुटर को एक्टिवेट करिए और पेज नंबर को एक्टिवेट करिए। बाय बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिए और मेरी नेक्स्ट